नमस्ते एवरीवन। आज आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। उस कहानी के माध्यम से एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में पौराणिक मंत्र, बहुत सारे पौराणिक मंत्रों के बारे में हम सुनते हैं, बट हमें नहीं पता कि वो कितने इफेक्टिव हैं, क्या है, उसी के बारे में कहानी है। त्रेता युग में एक ऋषि थे जिनका नाम था शमिक। उन्होंने बहुत सारी पूजा पाठ, योग, ये सब करके एक सिद्धि प्राप्त करी जिससे वो सभी की आवाज़ सुन सकते थे। श्रवण की सिद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली। अब क्या हो रहा था, जब भी कोई मंत्र चैंट कर रहा था वो भी उनके जा रही थी आवाज़, और भी 10 तरह की आवाज़ें जा रही थी। तो एक दिन उनके मन में एक प्रश्न जागा कि ये जो इतने सारे लोग इतने सारे मंत्रों का चैंटिंग करते हैं, उच्चारण करते हैं, इन मंत्रों से होता क्या है? इसका जवाब पाने के लिए वो चले जाते हैं शिव जी के पास। शिव जी के पास जाके, भगवान शिव जी के पास कैलाश पर्वत पे वो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे शिव जी, बताइए कि ये जो लोग इतने सारे दुनिया जहान में मंत्र बोलते हैं, क्या उन मंत्रों का कोई प्रभाव है? और अगर प्रभाव है तो वो क्या है, कैसे है, मुझे बताइए। तो शिव जी उनसे कहते हैं कि जिससे पहले मैं तुम्हें ये बताऊं कि क्या है, तुम्हारे पांव के पास एक कीड़ा चल रहा है। तुम उस कीड़े को देख के ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलो उसको, कीड़े को देख के। तो शमिक सोचते हैं कि अरे, मैं इतना इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहा हूँ और शिव जी ऐसे बोल रहे हैं। बट एनीवेज, वो उसको कीड़े को ओम नमः शिवाय बोलते हैं। जैसे ही वो कीड़े को देख के ओम नमः शिवाय बोलते हैं, कीड़ा मर जाता है। तो शमिक देखते हैं ये क्या हो गया। बट एनीवेज, वो फिर से पूछते हैं, हाँ शिव जी आप बताएं कि मंत्र से क्या होता है। तो शिव जी, उतने में एक तितली आ जाती है। तो शिव जी कहते हैं तुम इस तितली को ओम नमः शिवाय बोलो। तो शमिक फिर भी थोड़ा सा ऐसा इरिटेट टाइप होते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। बट एनीवेज, शिव जी ने बोला है तो वो ओम नमः शिवाय तितली को बोलते हैं। जैसे ही तितली को वो ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तितली मर जाती है। अब श्रमिक बड़ा अचंभित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि कहाँ तो मैं शिवजी से ये पूछने आया था कि मंत्रों का क्या प्रभाव है, यहाँ मंत्र बोल रहा हूँ और जीव की हत्या हो रही है, जीव को मृत्यु मिल रही है। तो वो और ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। तो उतने में तो वो शिवजी से पूछते हैं कि शिवजी बताएं ये क्या हो रहा है। तो शिवजी, उतने में एक हिरन आ जाता है। तो शिव जी कहते हैं तुम इस हिरन को ओम नमः शिवाय बोलो। अब श्रमिक थोड़ा डर जाते हैं, उनको लगता है कि ओम नमः शिवाय बोला तो कीड़े की मृत्यु हो गई, फिर ये तितली की मृत्यु हो गई, अब कहीं हिरन की मृत्यु ना हो जाए। तो वो कहते हैं नहीं। अब शिव जी को थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है। तो श्रमिक सोचते हैं भगवान को मैं नाराज नहीं कर सकता, तो वो ओम नमः शिवाय हिरन को बोल देते। जैसे ही वो हिरन को ओम नमः शिवाय बोलते हैं, हिरन की मृत्यु हो जाती है। अब तो शमिक जी बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं अब मैं भाग जाता हूँ, मुझे कोई जवाब नहीं मिलने वाला है और मुझ पे जीव की हत्या का पाप और चढ़ रहा है। तो वो वहां से जैसे ही जाने के लिए तत्पर होते हैं, उतने में एक स्त्री अपने बालक को लेके आ जाती है, अपने बच्चे को लेके आती है, छोटे से बच्चे को। शायद तो बच्चा बीमार था या कुछ, या बच्चे का हाँ जन्म हुआ है। वो शिव जी से ब्लेसिंग्स लेने आती। तो शिव जी शमिक को देख के कहते हैं कि तुम इस बच्चे को ओम नमः शिवाय बोलो। अब शमिक के आंखों में आंसू और वो कहता है कि मैं तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि एक बच्चे की मृत्यु और ये माँ तो आशीर्वाद दिलाने आई है, मैं कैसे इसकी मृत्यु करा दूँ। तो शिव जी की तरफ देखते तो शिव जी का तीसरा नेत्र थोड़ा सा खुलने लग जाता है। तो शमिक डर जाते हैं कि भाई अगर शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया तो यहाँ तो एक बच्चे की बात है, पूरी ब्रह्मांड में त्राहिमाम हो जाएगा और कई सारी चीजें इधर उधर, कई लोगों को मृत्यु, बहुत कुछ हो जाएगा, तो मैं उनको ऐसा गुस्सा नहीं दिला सकता। तो वो उस बच्चे की तरफ देखते हैं और बड़ा दुखी मन से ओम नमः शिवाय बोलते हैं। जैसे ही शमक ओम नमः शिवाय बोलते हैं, वो लड़का एकदम, वो बच्चा एकदम लड़का बन जाता है और वो प्रणाम करता है। तो शमिक थोड़ा अचंभित है, वो शिव जी की तरफ देखते हैं। तो वो लड़का बोलता है कि गुरुवर आपको बहुत प्रणाम है कि जब आपने एक और ओम नमः शिवाय बोल दे। तो शमिक थोड़ा सा अचंभे में आ जाते हैं कि क्या मतलब। तो वो बोलता है कि हे ऋषि राज, आपने, मैं कीड़ा था,
आपने ओम नमः शिवाय बोला तो मैं तितली बन गया, मतलब मेरा वहां से मोक्ष की तरफ वो बढ़ रहा था कि वो तितली बन गया। फिर ओम नमः शिवाय बोला तो मैं हिरण बन गया। फिर आपने ओम नमः शिवाय, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको उस बालक को, कीड़े को उस योनि से मुक्ति दिला के वो तितली बन गया, तितली की योनि से मुक्ति दिला के वो हिरण बन गया। फिर जब हिरण को ओम नमः शिवाय आपने बोले तो मैं मनुष्य बन गया। तो अब मैं चाहता हूं कि आप एक और ओम नमः शिवाय बोल दें ताकि मैं भगवान में विलीन हो जाऊं, मुझे मोक्ष मिल जाए। सो शिव जी शमिक के सामने देख के बोलते हैं कि ये है मंत्रों की पावर। मंत्र क्या है, मैं हूं, मैं स्वयं मंत्र हूं। इसीलिए जब हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट मंत्रास, कोई हीलिंग मंत्रा है, कोई प्रॉस्पेरिटी जनरेटिंग मंत्रा है, कोई स्ट्रेस रिमूविंग मंत्रा है, बहुत तरह तरह के मंत्र हैं, बहुत तरह तरह के पूजा पाठ होते हैं मंत्रों के साथ, जिसमें मेरा एक फेवरेट मंत्रा है आदित्य हृदय स्तोत्र। ये एक पाठ है जिसमें मंत्रों के उच्चारण से आप विजय प्राप्त करते हैं, इसके बारे में भी कभी बात करेंगे। नाउ ये तो हो गई पुरानी बात, आपको लगेगा कि भाई ये तो स्टोरीज होती हैं। तो आजकल भी एक नई ब्रांच है जिसका आई थिंक साइनमैटिक्स या ऐसा कुछ प्रोनंसिएशन है। व्हाट दे डू, वो साउंड का विजुअल क्रिएट करते हैं। कहने का क्या मतलब है, ध्वनि को वो पिक्चर के रूप में, हमारे वो मशीन ऐसी एक क्रिएट हुई है जो ध्वनि को सुन के उसकी एक पिक्चर बना देते हैं। तो जब ओम मंत्र का साउंड को एक साइंटिस्ट ने किया था, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, जस्ट टू कट इट शॉर्ट, इन साइंटिस्ट ने एक बहुत सिद्ध पर्सन को लाए जो अच्छा प्रोनंसिएशन कर सके ओम चैंट का। ओम क्या है, यूनिवर्सल साउंड है, ओके। सो वो एक लेके आते हैं और वो जब ओम का चैंटिंग करते हैं तो उसकी जब पिक्चर बन के आती है, वो पिक्चर क्या बन के आती है, श्री यंत्र की। एंड श्री यंत्र आपको पता है लक्ष्मी जी का यंत्र है, जो कि अगेन प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस का है। सो उन्होंने कई सारा एक्सपेरिमेंट किया, कई सारी ध्वनियों को फोटो में क्रिएट किया और उससे और प्रमाण आ जाता है हमारे सामने कि मंत्रों में बहुत पावर है। सो हमारे जो वैदिक मंत्र हैं, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मंत्रास। और इसी बात पे मेरा एक नया कोर्स आ रहा है, एक नया कोर्स तो नहीं कहेंगे, एक नई मुहिम मैं शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है धन मास्टरी। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है बिकॉज आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस अवेयरनेस। तो एवरी डे मॉर्निंग 11 AM वी आर गोइंग टू डू मंत्र चैंटिंग टुगेदर। सो टुगेदर क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग जब एक साथ मंत्र चैंटिंग करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी नीचे आती है। सो हियर 5 दिन, ये नवरात्रि का समय है, गुप्त नवरात्रि, वो नवरात्रि जिसमें मंत्रों की ही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, तंत्र मंत्र की सिद्धि वाला ये समय है। तो उसमें धन मास्टरी ये मेरी मुहिम है और ये क्या है, गिफ्ट है, क्योंकि 4 जुलाई को 2020 में मैंने अपना ऑनलाइन जर्नी शुरू की थी और आप लोगों ने बहुत स्नेह दिया, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया, आप लोग देखते भी हैं, कई लोग मेरे साथ जूम के द्वारा जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से आभार। और उससे भी ज़्यादा जो हमारे पौराणिक मंत्र हैं उनकी क्या पावर है, ये सब आपको बताने के लिए ये शुरू किया है। 5 दिन मेरे साथ, सुबह 11 बजे हम मंत्रा चैंटिंग करेंगे, उसमें हम कई तरह की गायत्री करेंगे, उसके बारे में आपको बताऊँगी। और शाम को 7 बजे वी आर गोइंग टू डू affirmations। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा इधर उधर, क्यों आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक सफल नहीं होती, वेयर इज द प्रॉब्लम, वाई यू आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट मनी इन योर लाइफ, अट्रैक्ट प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ, उन सब के रीजन्स अगेन आई एम नॉट कंसर्न्ड, सोल्यूशंस आई एम कंसर्न्ड। सो वी आर गोइंग टू अगेन डू affirmations टूगेदर, मनी affirmations ही करेंगे, ताकि 5 दिन में आप सब जो यहाँ पे हैं, यहाँ पे आपकी वाइब्रेशन आ जाए, फ्रीक्वेंसी आ जाए, एंड देन यू बिकम व्हाट, मनी मैग्नेट, यू अट्रैक्ट लॉट ऑफ मनी इन योर लाइफ। सो इन मॉर्निंग एट 11 AM वी डू द मंत्रा चैंटिंग
एट इन इवनिंग एट 7 PM वी डू द एफर्मेशंस. ये दोनों जिसको भी ज्वाइन करना है डू ज्वाइन मी. तो जूम पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं. आई विल शेयर द जूम ID एंड देन आई विल शेयर इट ऑन माई YouTube पे लाइव आऊंगी मैं 7 PM एवरी डे फॉर द मनी एफर्मेशंस. तो जो भी मेरे YouTube सब्सक्राइबर्स हैं यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन मी टू अपग्रेड योर फ्रीक्वेंसी योर वाइब्रेशन सो दैट यू कैन बिकम मनी मैग्नेट्स. आत्मा नमस्ते एवरीवन. सो आई होप आप लोगों को मंत्रों की शक्ति के बारे में पता चला. तो कई सारे मंत्र हैं जिसके बारे में आने वाले दिनों में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी. ओके बट कल से शुरू हो रही है एक नई जर्नी जहां वहां मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी कि धन को आकर्षित करने के लिए हम क्या क्या मंत्र बोल सकते हैं क्योंकि धन सबको चाहिए. सो डू स्प्रेड एंड शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली दिस वीडियो सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस प्रोग्राम एंड अपलिफ्ट देयर लाइफ. आत्मा नमस्ते. हैव अ ब्यूटिफुल संडे.